और धीरे धीरे चहल कदमी करते हुए ये रेफरी टीम जो है धनेश हस्ता की अगुवाई में हमारे मैच रेफरी बहुत ही अनुभवी रेफरी हैं और संतोष यादव जो हमेशा की बहुत यंग टैलेंटेड रेफरी है और सुनील पुरी जी हैं, आप जानते ही हैं इनको, काफी विकसित रेफरी है, काफी चर्चित, कभी बहुत चर्चा में रहते हैं हर टूर्नामेंट में। और ये सभी रेफरी मंडली का ये हमारे शिवलाल मांझी स्पोर्टिंग क्लब मुखी पहाड़ की ओर से अभिनंदन और स्वागत करती है। और ये जो सुदन मुर्मू की अगुवाई वाली टीम जो है, हमेशा आप इनको देख पाएंगे, आप कभी सुने होंगे शैतान चौक जो पाकुड़िया की टीम होती है, वो शैतान चौक की टीम, अमूमन सभी प्लेयर शैतान चौक के ही है और ये अपना शैतानी रूप इस मैदान में दिखा पाएंगे या नहीं वो तो वक्त ही बताएगी। और मैं देख पा रहा हूँ धीरे धीरे हमारे मैच कमिश्नर जो है हमारे सुशील जी और मंच में अग्रसर होने जा रही है और इस मुखी पहाड़ में इनका अच्छा योगदान रहा है, आप नहीं सदियों से, जब से ये टूर्नामेंट का आगाज हुआ है मुखी पहाड़ में, ये हमेशा की तरह बहुत बड़ा योगदान रहता है सुशील कुमार जी का जिले में। और ये मुस्कुराते हुए हमारे मंच की ओर आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत मुर्मू के कैप्टनशिप में ये टीम पहुंची है। और राजेंद्र जो हमेशा अपना डिफेंडिंग मिडफील्डर, आप कहीं इनको खिला दीजिए, ये कहीं भी अपना रोल को समझते हैं, खेलते हैं। हेलो, अभी कितना लेट होगा? तब तक मैं नाश्ता कर लेते हैं ना, थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो खाना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहां से सेकेंड हाफ का मैच अब बहुत ही जल्द रिस्टार्ट होना है और क्या रणनीति लेकर के आएंगे दोनों टीम्स इस दूसरे हाफ में जो पहले हाफ के मुकाबले में खेले थे, जिसमें बहुत सारी चांसेस मिलने के बावजूद या कई गलतियां भी हुई उसको अब दूसरे हाफ में सुधारेंगे, या इस मैच में पहले हाफ की अपेक्षा क्या बदलाव देखने को मिलेगी इन दोनों टीमों के बीच में, ये हम देखेंगे दूसरे हाफ में। और कौन सा टीम इस दूसरे हाफ के मैच में पहला महत्वपूर्ण गोल के साथ अपने टीम को मजबूती प्रदान कर पाएगी। ग्राउंड ना नितो बोन येले पा उत्तर नखा कोई शर्मा नील रंग रे हेजे सपोर्ट है बेटा रुकु टीम दो छतरा टीम के नाको और ग्राउंड ना दक्षिण नखा कोई बोन येले को ऑरेंज के साल पूर्ण रंग रे जतरे रुकु टीम दो स्टाफ टीम पाकुड़ के नाको बड़ा टीम स्कोर लेवल नी दबी नवा मैच रे 0-0 रे बना और पहिल हाफ रे एक दो अंक ना अटेम्प्ट है कर गया स्टाफ टीम पाकुड़ से कोई लगातार 11 नंबर से कोई बढ़िया गन शॉट खेल लेना दूसरा हाथ ना मुचो दो समय रे मनखाए बनारस उड़िया टारगेट कहा है और ये लगभग दूसरा हाफ रे चल करना परिवर्तन चल करना इंप्रूवमेंट हाँ बड़ा टीम के नगुया वागाती है। और सेकेंड हाफ के बाद जो मैच स्टार्ट हुआ है वो एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया गया है निर्मल किस्कू और ये जो आठ नंबर है आठ नंबर जो संजू हंगरम को मौका दिया गया है पिच में, ये फ्रेश लेग है और शायद वो अपने टीम के लिए कुछ करेंगे, ये कैप्टन और मैनेजर का ये भी एक रणनीति का हिस्सा है टीम के लिए। और मोहनलाल जैसा अनुभवी डिफेंडर हम देख पा रहे हैं पाकुड़ की ओर से, ये बहुत ही उम्दा प्लेयर है और ये आजकल के यंग टैलेंटेड रेफरी भी हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्रॉस को डाला गया था बॉक्स के आजू बाजू में, ये महेंद्र कर काठी उतना खास नहीं है लेकिन बहुत उम्दा खेलते हैं, ये रन अच्छा बेहतर हो जाएगा तो एक गोल मिल सकता है
आप देखिए ये बॉल को अगर कट बैक खेलते राजेंद्र के लिए कट बैक खेला जाता तो एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन मिल जाता सुशील जी। जी बिल्कुल, राजेंद्र उस प्रकार के पोजीशन पर थे और उनको भी लग रहा था कि शायद बोले तो रोक क्या हमारे लिए गेंद को वहां बैक पास करे, लेकिन वो खुद अपने दम पे आगे निकलना चाहते थे और परिणाम हुआ कि जो शॉट निकला उनका टारगेट पर गई। बॉल से थोड़ा सा दूरी पर वहां सुधर और ऐसे समय पर गेंद पोजीशन पुनः चतरा के लिए। दोनों टीम बहुत ही समझदारी के साथ इस मुकाबले को खेलते हुए अनावश्यक तरीके से पासेस शॉट दोनों टीम का नहीं देखने को मिल रही है और बहुत ही समझदारी के साथ एक बॉल को वहां पर बखूबी तरीके से वहां पर निभाने का प्रयास, शॉट लिया वहां पर। ये मौका देखिए जहां से गोल की उम्मीद, बहुत बड़ा उम्मीद था सभी प्लेयर को उनसे, क्योंकि पहला जो अटेम्प्ट था वो सही था ही नहीं, क्योंकि उस पोजीशन में तो कीपर थे ही और उनके साथी खिलाड़ी जो विमल थे, राजेंद्र थे, उनके लिए अगर बॉल निकाल देते तो आग बंद करके फ्रेम में डाल देते बॉल, किसी को कुछ तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। उस जहां कीपर चले गए थे बस वही बॉल डाल के वो बहुत बड़ा गलती किया, उसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा अब तो नहीं, कुछ देर के बाद जब अंतिम विशिल बजेगा तो इनके बारे में काफी चर्चा होगा टीम मैनेजमेंट की ओर से। जी बिल्कुल, इस प्रकार का मौका जब बनती है तो निश्चित रूप से उसको खास करके कैसे बारीकी तरीके से उसको भुनाया जाए, ये चीज को बहुत ही ज्यादा उसको रखना होगा साथ में। जिस प्रकार से हम कहते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड प्लेयर्स का जो होना चाहिए उस समय कि क्या मैं शॉट लूंगा तो सटीक रहेगा या मैं इस बॉल को मैं अपने खिलाड़ियों के लिए पास निकालूं तो ये बेहतर रहेगा, इस चीज को अगर सोचे तो बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल, और कुछ देर पहले यहाँ अपील किया जा रहा था हैंडबॉल का, लेकिन हैंडबॉल उसमें था ही, लेकिन आप पोजिशन जो था सेम प्लेयर को मिला था इसीलिए वो हैंडबॉल के लिए वो बॉल को स्टॉप नहीं करना चाहा, मैच को चलने दिए मैच रेफरी, और यही तो एक अनुभवी रेफरी का हुनर है जो किस तरह से मैच को चलाए, बहुत ही बारीकी से मैच को स्टडी करते हैं, देखते हैं और मैच को चलाते रहते हैं ताकि प्लेयर का समय को खपत ना करें, और यही खूबी है आप सबों का या जितने भी हम देख पा रहे हैं। और कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग कीपर जो डिफेंडर जो थे अशोक, उसको ज्यादा एरियर बॉल खिलाया नहीं, आपने साथी खिलाड़ी के पास बॉल को डाला, और अमूमन जो हमारे क्षेत्र के जो खिलाड़ी होते हैं वो लंबा लंबा क्लियरेंस में विश्वास रखते हैं सुशील जी। जी बिल्कुल, और हर एक डिफेंस लाइन के खिलाड़ी जिस प्रकार से अक्सर हमारे क्षेत्र के जो प्लेयर्स होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि यहाँ तक ही सीमित रहते हैं अपने प्रखंड स्तर तक ही, जो कि 40-50 का खेलते हैं, अगर वो लंबा शॉट लेने में माहिर हो तो कहते हैं कि ये डिफेंडर बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा डिफेंसिंग करते हैं, लेकिन खास करके जिस अंदाज में यहाँ पर खेल आप देख रहे हैं चाहे डिफेंस लाइन का हो चाहे किसी भी जोन का हो कि अनावश्यक तरीके से वो लॉन्ग शॉट लेने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये खासियत इस मैच में देखने को मिल रही है और इससे जितने भी हमारे प्लेयर्स बन है उनको निश्चित रूप से एक प्रेरणा भी मिलेगा कि अगर आपको बड़ा मैच खेलना है या अगर बेहतर खिलाड़ी बनना है किस अंदाज में हमें खेलना होगा आने वाले समय में। और मैं थोड़ा देर पहले मैं देख रहा था विमल वो कॉल का अपील कर रहे थे, कॉल मांग रहे थे हमारे मैच रेफरी धनेश से और उसके सामने असिस्टेंट रेफरी यादव जी भी थे, लेकिन ये कॉल था ही नहीं, वो अगर फोन अगर लेना है तो फोन लीजिए बॉल को मत लीजिए, वो बॉल भी लेना चाह रहे थे फोन भी, इसीलिए एक एडवांटेज उसको खिलाया गया विमल को, क्योंकि एडवांटेज खेलना चाह रहे थे विमल जी, वो नहीं चाह रहे थे कि हम फोन ले, वो फॉल जब था ही आपको बॉल में आप इंटरफेयर ना करें तो आपको फॉल जरूर मिलेगा, और यही वजह से उनको नकारा गया विमल जी का जो फॉल जो अपील कर रहे थे वो फॉल को नकारा गया और फिर से ये चलायमान स्थिति में है बॉल। ये दोनों ही टीम जो बहुत शांत भाव से मैच को खेल रहे हैं, अपना गेम खेल रहे हैं, ना ही रेफरी से उलझते हैं ना ही अपना प्लेयर को ज्यादा कुछ डायरेक्शन देते हैं, लेकिन मन लगा के मैच को खेल रहे हैं, और जब प्लेयर्स को समझ हो कि मैंने क्या किया है या क्या होना चाहिए
इसका जब उनको खुद पता होता है तो यहाँ पर इनको रेफरी से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। और ये खासियत इन दोनों टीमों के प्लेयर्सों में है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो खुद गलती करते हैं लेकिन अपना गलती वो स्वीकारते नहीं है, उनको पता नहीं होता है कि हमने क्या किया है। और यही चीज होता है कि वो रेफरी पर उलझते हैं कि ये फॉल नहीं है या इस प्रकार का ये फॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको खुद समझ नहीं होती है कि मैंने क्या किया है और इन्हें ये नहीं है। और यही चीज है कि ये दोनों टीम इतने बारीकी से शाम स्वभाव में इस मैच को इतना बेहतर अंदाज में खेलते हुए। और ये महेंद्र को हम देख पा रहे हैं, 6 नंबर जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट की जो टीम गई थी गोटा से रिप्रेजेंट की थी वो कैप्टन रहे थे, लेकिन इस मैदान में वो बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा हैवी टच निकल गया महेंद्र का, राजेंद्र का, नहीं तो एक मौका फिर से बन जाता। लेकिन सुरेंद्र आगे आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं फॉरवर्ड लाइन को, क्योंकि एक विंगर के लिए बॉल डाला है लेकिन थोड़ा सा लेट रन लिए और बॉल पिच से बाहर। और ज्यादा कुछ इस तरह का टेकल था ही नहीं, आपके सामने बॉल है, बॉल अंडरस्टैंडिंग है ये सभी प्लेयर के बीच में। लंबा जब क्लियर करेंगे तो पोजीशन खो देंगे, पोजीशन को अगर बनाए रखना है तो छोटा पासेस डिफेंडर भी आगे साथ फॉरवर्ड लाइन को सपोर्ट करते जाएं तो एक अच्छा मूव बन जाएगा। और ये बिल्कुल यहाँ पर चाहे डिफेंस लाइन हो चाहे किसी भी पोजीशन के जो प्लेयर को ना हो, फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर भी हाफ जोन के डिफेंस लाइन के प्लेयर्सों को भी सपोर्ट करने के लिए पीछे तक आ जाते हैं और डिफेंस लाइन भी यहाँ पर आगे तक फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर्सों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और बड़े ही समझदारी के साथ अभी तक इस दोनों टीम इस मुकाबले को खेलते हुए। और यहाँ पर ये देखिए पासेस बहुत ही अच्छा निकला है, क्या गेंद के साथ आगे निकल पाएंगे बबलू, लेकिन वहां पर बहुत ही, और ये 11 नंबर जो है अपील कर रहे थे कि फॉल हमको मिल जाए, वो चकमा देने का प्रयास कर रहे थे लेकिन बॉल आपका पैर में था ही नहीं, पैर जिनका पैर में बॉल था उनसे तो फॉल होगा ही नहीं, चंचित होगा ही नहीं वो, तो ये आप मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहे, क्योंकि बॉल जिसका पैर में चल जाएगा तो आप फॉल लेने का प्रयास भी करेंगे तो फॉल आपको मिलेगा अगर नहीं, तो ये देखा गया था। लेकिन एक कॉर्नर और एक सेट पीस मिल गया है, इस सेट पीस को भुना पाएंगे या नहीं, ये किक, ओहो क्या जबरदस्त कॉर्नर किक लिया गया था। इस कॉर्नर किक में अगर हेडर हो जाता तो गोल मिल जाता। और ये बिल्कुल सर शॉट बहुत ही बेहतर लगाए थे यहाँ पर, जिस प्रकार से नीलू सुधर लगे हुए हैं बॉल के पीछे, एरर हो गया था लेकिन रिकवरी अच्छा हुआ डिफेंडर की ओर से। फिर से ये दोनों टीम प्रयास कर रही है सुशील जी कि जल्दी से जल्दी हमको एक गोल मिल जाए। जी बिल्कुल, यहाँ से समय भी काफी हद तक निकल के भी इस समय पर अब मौका मिल सकता है, क्या वो खुद शॉट लेंगे या यहाँ से क्रॉस निकालेंगे सीधे पोस्ट पर, लेकिन यही हुआ कि उनका शॉट जो है कीपर अपने ग्लव्स में ले लिया। कोई डिफिकल्ट नहीं होगा जब इतना दूर से आप शॉट लेंगे डायरेक्ट पोस्ट पर, तो वहां पर गोल की उम्मीद काफी कम किया जा सकता है ऐसे बॉल में, क्योंकि कीपर काफी समय से गेंद को वो रीड कर लेते हैं। और महेंद्र लगे हुए हैं, बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, आगे पीछे सभी डिफेंड लाइन को फॉरवर्ड लाइन को दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। और अशोक भी आगे निकल गए हैं और फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग होते नजर आ रहा है, एकदम 4-3-3 का जो था अब 3-4-3 कुछ अलग फॉर्मेशन नजर आ रहा है, और इसी के वजह से आप अटैकिंग मूव अटैकिंग करने के मूड में है दोनों टीम। अब आगे बढ़ेंगे, इधर पाकुड़ की टीम भी धीरे धीरे अपने फॉरवर्ड लाइन को सपोर्ट करेंगे, उनसे अगर ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है तो फिर हम अपने टीम को सपोर्ट करें। और हैंडबॉल उनको पता नहीं चला, लेकिन जब बॉल रिवर्स हुआ उसका बॉडी से तो हेड से जाकर के टकरा गई और एक सामने थे रेफरी और एक और मैं देख पा रहा हूँ बेंच की तरफ से भी आवाज आ रही है, अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि आपको करना है तो टाइम में ही करना है, बाकी तो कुछ नहीं है। और ये सही भी है, अपना बेंच को
सपोर्ट वेस्ट की तरफ से अगर सपोर्ट मिल जाता है तो अलग ही एनर्जी अलग ही ऊर्जा मिलता है। कब नहीं पता नहीं कब क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे खिलाड़ी जहां से आप उम्मीद करेंगे कि पेनल्टी शॉट आप टीम का अच्छा होगा, लेकिन वैसे समय पर प्लेयर्स का शॉट काफी खराब निकलता है और अच्छे से अच्छे टीम या जहां से भरोसा काफी ज्यादा रहता है उनसे गोल ना होने के कारण कई टीम अच्छे अच्छे हार भी जाते हैं। और मैं 12 नंबर को देख रहा हूँ जो टाइमिंग उसका हो नहीं पा रहा है, छात्रा की टीम की ओर से जो विंगर से खेल रहे हैं लेफ्ट विंग से खेल रहे हैं तो टाइमिंग जो रन लेने का टाइमिंग जो है वो नहीं ले पा रहे हैं, शायद वो स्टेमिना जो है कम पड़ गया है। अच्छा ग्लव्स और हमेशा ग्लव्सिंग का जो बात होता है और बहुत सारे ऐसे कीपर हैं बहुत ज्यादा काम करते हैं अपना ग्लव्सिंग में और वो ग्लव्सिंग ये राजेंद्र के लिए अच्छा मौका अगर फर्स्ट टच सही रहता ये रिसीविंग अगर सही करते। 12 नंबर है बॉल के साथ बने हैं राजेंद्र करेंगे और चाह रहे थे राजेंद्र कि आप भी आगे बढ़िए मैं आपके लिए ही बॉल डालूंगा लेकिन ज्यादा हैवी टच होने की वजह से ऑप्शन क्रिएट हुआ नहीं और धीरे धीरे अब दोनों टीम कहेंगे कि अगर अटैकिंग हो नहीं पा रहा है तो डिफेंसिव ही सही के पास में ऑप्शन है वो विकल्प है अगर यहाँ गोल नहीं ले पा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफेंसिव पर भी ध्यान देंगे अगर ऐसे समय पर थोड़ा सा भी डिफेंसिव एरर होती है तो उसका फायदा उठा करके यहाँ पर गोल अपोनेंट टीम कंसीड कर सकते हैं। और एक बॉल मिला है बहुत ही अच्छा एंगल यहाँ से ये सनातन जो है संतलाल जो है संतलाल ये बहुत ही चतुराई और बुद्धिमानी का परिचय दिया है कि उसने एक होल को अर्जित किया है और इस जगह में फॉल मिला है और इस टाइम में फॉल मिला है अगर थोड़ा सा डिफेंडिंग एरर हुआ या चुप हुआ तो भारी नुकसान हो सकता है छात्रा की टीम को। लेकिन ये शॉट किस तरह से लेंगे फ्री किक किस तरह से लेंगे विशेष बजी है और ये शॉट लिया गया है अनुमान सही ये जबरदस्त किक और ग्लव्सिंग देखिए इनका ग्लव्स का जो काम है ग्लव्स वर्क जो है बहुत ही अच्छा है और इस तरह से देखते देखते ये अंतिम 4-3-3 का पोजीशन देख पा रहे हैं हमारे चतरा की टीम और सेम पोजीशन भी है इधर हमारे ये किक ऑफ का विशेष हमारे धनेश हासदा की ओर से एक बहुत अनुभवी बहुत चर्चित रेफरी रहे हैं खास करके साहेबगंज जिला में और ये इनकी अगुवाई में ये टीम इस मैच को आगे बढ़ाएंगे। अब मैच में मजा आने वाला है और मजा क्यों नहीं आएगा और जो तो यंगल बुयाटे नारोज बिना आप या सहयोग आले लगी अड़ी कीप्ति गया और नाते जहाँ को गए जहाँ को यहाँ का बाइक और न पे तो हो का खाए से और आड़े मिना पे खान मिना तपे खान दया दुवर तो उन्हें खान औचक तपे आर बंग खाए कमिटी चलाओ गते उन्हें बाइक रेना थोड़ा गान निर्णय को हटावा झुंड में जाके उस बाइक का थोड़ा निरीक्षण कीजिएगा आप देखिए अगर कोई भी ऑडियंस का बाइक है उनको बोलिएगा वहां से हटाने के लिए कि हमारा रास्ता क्लियर रहना चाहिए क्योंकि आवागमन में कभी दुविधा ना हो क्योंकि अब तो बस शुरुआत ही है और समय बाकी है बहुत भीड़ होने वाला है। अब सर्जन बेड़ा को तो छोड़िए आप यहाँ सर्जन बेड़ा का आप नजारा देखने को मिलेगा कुछ ही क्षण के बाद आप सर्जन बेड़ा में जो प्लेयर खेलेंगे वही प्लेयर आपको यहाँ खेलते नजर आएगी इसीलिए भीड़ काफी होने वाला है। आप अपना अपना बाइक को अपने जगह में सुरक्षित कर लें। सभी बाइक ओनर से अनुरोध है अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो यथाशीघ्र आप जाकर के हम सभी कमिटी का सहयोग करें आप वहां से बाइक को हटा लें और कमिटी आप झुंड में जाए और बाइक को उसको सुरक्षित जगह में रखवा दें
और मैं आपको इस मैच में ले चलूंगा, माइक्रोफोन में फिर जोड़ना चाहूंगा हमारे सुशील कुमार जी को। और ये जो मैच हमने देखा, पहला मैच में ज्यादा रिजल्ट नहीं आया, मैच के दरमियान रिजल्ट नहीं आया, पेनल्टी शूट आउट से ये मैच का निर्णय लिया गया और ये साहिबगंज की टीम ने सेकेंड ग्राउंड के लिए जगह सुरक्षित किया है। अब देखना है ये दूसरा मैच, ये 50 मिनट का फुल टाइम फॉर्मेट जो है आप होने वाला है। और इसमें ये दोनों टीम चाहेगी कि मैच में ही रिजल्ट ला पाए। तो मैं फिर से एक बार इस कम्युनिटी बूथ में सुशील कुमार जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साउंड जस्ट बना बढ़ती साउंड थोड़ा कम जाना बुझे में कोर्ट पड़ता जहाँ रुचिक बांग बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर और यहाँ पर दानियल जी। और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे इस शिवलाल मांझी स्पोर्टिंग क्लब मुकरी पहाड़ लिट्टीपाड़ा पाकुड़ के जितने भी इस आयोजक कमेटी के जितने भी सम्मानजनक हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं, टूर्नामेंट अध्यक्ष, टूर्नामेंट के जो सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान और इनके अगुवाई में जितने भी हमारे कमेटीगण हैं, जिनके प्रयास के द्वारा इतना बेहतर इस टूर्नामेंट का आयोजन हो पाया है। और जब जब इस ग्राउंड पर टूर्नामेंट होते हैं, निश्चित रूप से यहाँ के जितने भी हमारे ग्रामवासी होते हैं, सभी मुकरी के हमारे अंतिम जान जाति भाइयों के साथ साथ हमारे आदिवासी जितने भी भाई हैं, वो भी बराबर इसमें सहयोग देते रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सबों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा इतने बेहतर आयोजन के लिए। और यहाँ के विधि व्यवस्था को इतने बेहतर तरीके से आप सभी बनाए रखे हैं, यहाँ का जो फुटबॉल का स्टैंडर्ड है, यहाँ अनिल सर जिस प्रकार से जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर ये हम लोगों के लिए, इस ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए ये भी सार्जम बेटा धुमका से कम नहीं है। तो निश्चित रूप से इसमें आप सबों का बहुत बड़ा रोल है, आप सबों का बहुत अच्छा प्रयास रहा है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में, ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में इतना बेहतर टूर्नामेंट का आयोजन आप लोगों के द्वारा हो पा रहा है। और इसमें सभी दूर दराज से आए हुए दर्शकों का, ऑडियंसों का बहुत बड़ा आप लोगों का भी योगदान रहा है। हमेशा आप सबों का सपोर्ट, आप सबों का प्यार इस टूर्नामेंट को मिलती रही है। और हम लोग अपेक्षा करेंगे कि आज से फाइनल दिन तक आप सभी ऐसे ही सहयोग और सपोर्ट करते रहिए, ताकि ये टूर्नामेंट जो शिवलाल मांझी स्पोर्टिंग क्लब मुकरी पहाड़ की इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर जो आयोजित की गई है, आज इसका फर्स्ट दिन, ताकि अंतिम दिन तक ऐसे ही ये कार्यक्रम हम सुबह का सुचारू ढंग से संचालित हो और ये सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि जिस प्रकार से पहले चर्चा कर रहे थे यहाँ पर अनिल सर और दानियल जी, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि अनिल सर के साथ बैठ करके इस प्रकार का एक दो शब्द रखने का जो हमें मौका मिला है कमेंट्री करने का, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि
जब सर रहते हैं तो निश्चित रूप से हमें भी बहुत सारा सीखने को मिलती है, या जब ये रेफरी के रूप में हम सभी किसी टूर्नामेंट में जाते हैं, इन दोस्तों के साथ में कमेंट्री के लिए जाता हूं तो हमेशा कुछ ना कुछ में डायरेक्शन देते रहते हैं सर। और सबसे खुशी की बात है तो यही मेरे लिए कि आज यहां पर इनके साथ हमें बैठ करके मैच का विश्लेषण करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। और दोनों टीम जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अपने अपने क्षेत्र के नामी ग्रामीण टीमों में जानी जाती है, एक टीम जिस प्रकार से सर ने जिक्र किया कि पाकुड़ हो, महेशपुर हो, पाकुड़िया हो, इस क्षेत्र के सबसे स्ट्रॉन्ग टीमों में जानी जाती है, जिसको हम शैतान चौक के नाम से जानते हैं, आज वो टीम यहाँ स्टाफ टीम के नाम से खेलती भी। और एक टीम जो है यहाँ हमारे एफसी चतरा की टीम, इस टीम से गोड्डा के सभी नामी ग्रामी प्लेयर नजर आएंगे। अगर प्लेयर्सों को आप देखें तो यहाँ पर स्टाफ टीम से चुंडा हंसदा ये 21 में, नीलू हेम्ब्रम जर्सी नंबर 4 में, सुरेंद्र किसको जर्सी नंबर 2, मंत्री हेम्ब्रम जर्सी नंबर 5, दाऊद टुडू जर्सी नंबर 12, लट्टू बुक किसको जर्सी नंबर 7, संतोलाल जर्सी नंबर 16, सुदन मुर्मू टीम कैप्टन जर्सी नंबर 10, निर्मल किसको जर्सी नंबर 9, सचिन दिग्गा जर्सी नंबर 11, मोहनलाल सोरेन जर्सी नंबर 3। सब्स्टिट्यूट बेंच में दानियल टुडू 6 नंबर, संजय बास्की 13, चार्लेस सोरेन जर्सी नंबर 15। और यहां से संजय हेम्ब्रम जर्सी नंबर 8 और पीटर मुर्मू जर्सी नंबर 14। जबकि यहां पर चतरा टीम से देखें तो यहां पर सुनेलाल टुडू गोलकीपर जर्सी नंबर 21, राजेंद्र मुर्मू टीम कैप्टन जर्सी नंबर 8, अशोक मुर्मू जर्सी नंबर 14, विकास किस्को जर्सी नंबर 15, अमित बेसरा जर्सी नंबर 4, बबलू कुमार जर्सी नंबर 16, महेंद्र हंसदा 6 नंबर, संतलाल टुडू जर्सी नंबर 5, रविंद्र मरंडी जर्सी नंबर 12, विमल मरंडी जर्सी नंबर 11, राजकुमार टुडू जर्सी नंबर 17। और सब्स्टिट्यूट बेंच में प्रशांत मरंडी 9 और डैनियल टुडू जर्सी नंबर 7। तो दोनों टीम से अगर प्लेयर्स का जिस प्रकार से संगम में देखने को मिल रही है, एक एक प्लेयर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हर पोजीशन से उनको भार दिया गया है, जो अपनी रोल बखूबी निभा सके। यहाँ पर जर्सी नंबर 8 जो कि टीम के कैप्टन राजेंद्र, इनके पास टीम को लीडरशिप करने का भार सौंपा गया है। और यहाँ पर भले गोलकीपर गोल लाइन से बाहर गए, वो गोल हो गए गोलकीपर, लेकिन गेंद को बाहर रखा, इसलिए इसको गोल नहीं माना जाएगा क्योंकि गोल गोल लाइन से बाहर थी। और सर अभी तो ये मैच स्टार्टिंग हुआ है और मैं चाहूंगा कि इस मैच का जो स्टार्टिंग जो समय का जो एक जो मैच चल रहा है, मैं चाहूंगा कि आपके शुभ वाणी से इसको और बेहतर तरीके से इस मैच का जो रूपरेखा हो, जो इनका प्ले स्टाइल हो, वो चेंज हो। और मैं इसके लिए मैं चाहूंगा कि इस मैच में प्लेयर्सों के लिए आपका कुछ राय यहाँ मशवरा मैं लेना चाहूंगा, खास करके खिलाड़ियों के लिए। और ये जो मैच हम देख पा रहे हैं बहुत ही उम्दा मैच देखने को मिलेगा, आप शुरुआती क्षण ही है और शुरुआत में थोड़ा सा हमको टाइम लगता है और कम्बिनेशन बनाने के लिए, लेकिन अच्छा बोल तो निकाला है, फॉरवर्ड किया है और ये ऑन टारगेट शॉट था, लेकिन फिर से अच्छा ब्लॉक आया कीपर का। मैं ज्यादा नहीं, 11 मिनट हुआ है और ये 50 मिनट का फुल टाइम है और 25 मिनट का एक हाफ है। तो ये जो टीम जो है शैतान चुक की ओर से जो मैं देख पा रहा हूँ, सनातन, नीलू, दाऊद और ये आपका सुदन, ये सब प्लेयर जो है ना उम्दा परफॉर्मेंस देते हैं अपने टीम के लिए। मैंने जब जब इनका मैच देखा है, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट में मैच खेलते हुए देखा है, लेकिन आज एक पहली मरतबा हमको लगता है कि ये मुक्ति पहाड़ी
के मैदान में इनका आना हुआ है। जी बिल्कुल सर, आज जिस प्रकार से इस ग्राउंड पर ये ऑफसाइड का कॉल होगा, ठीक है, बढ़िया था बढ़िया। तेरा तो आड़े पसे कोई गुण है सेटर गन सरीगी मेसा 2024 ना साल रहवा मुखरी पहाड़ ग्राउंड है मिमी टीम जिदे पर जेल को खाई नामी ग्रामी टीम को सेटर गन औका दो वा कोई लहा रहे यदि वा ग्राउंड है उनका प्लेयर्स को सेटर बड़ा होगा भाग्य ना कथा करना ऐसा 2024 का टीम सिलेक्शन हुई करना भागी भागी टीम उका कोई तो हर लट्टू टूर्नामेंट रे प्लेयर्स को गति लगे रुभव को घोयदा बड़ा नखा के गुड जेल को खाए को तो प्लेयर्स को गुड जेल को गुड्डा आदमी तो पाकुनिया छत्र रे नामी ग्रामीण टीम को बढ़ाई छु निश्चित रूप से रुकिन तलारे तीन का आपसी फसब चला करना वाला जो तो कोई तगड़ा हुई बा जहां तक गुजम करना और पिछले मैच रे जनिक मैच सुनिए सुनिए के मुचम कहते पनल की सोरा उठना सहारा हुई हटा हुई ना और अनुमानी बुझाव दर वहाँ मैच रहना और दूसरा की जैसे जैसे मैच ना समय हुई दिया उन्हों की दिया निश्चित रूप से उन्हें पहले लाभ भी अपेक्षा कुंड होया बना टीम से कोई जमान उन्हें कोई गोल कंसीड कहते ताकि ना पकड़ उन्हें कोई किन मजबूत दरिया और बिल्कुल अभी समय काफी है इनके पास एक फर्स्ट आपका मैच ही चल रही है और ये सनातन जो है बहुत उम्दा प्लेयर है 16 नंबर और ये साउथ के लिए बॉल को तरकाया है और विंगर के लिए बॉल को बढ़ाया गया है और फिर से दाऊद जो है सुदन के लिए बॉल को बढ़ाया था लेकिन ये जो हम टीम देख पा रहे हैं सुशील जी ये जो गोड्डा की ओर से चतरा की टीम की ओर से यही टीम गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का जो है हम भी क्या गया है एक एक पासेस इनका बहुत ही सटीक आता है और अधिकतर ग्राउंड का भरपूर सदुपयोग करते हुए दोनों टीम्स देखने को मिले हैं अभी तक लेकिन उस प्रकार का अभी तक प्रभावशाली शॉट या उस तरह का नजदीकी अवसर बनाने में दोनों टीम अभी तक सक्षम नहीं हुए हैं और यही कारण है कि एक दो भी अटेम्प्ट उस प्रकार का देखने को नहीं मिला है जहां से गोल की उम्मीद की जा सकती है। एक टीम एक अटेम्प्ट दिखा गया था जो क्रॉस बार को लगती हुई रिबन हुआ था बॉल वो अटेम्प्ट बहुत ही अच्छा था क्योंकि उनको ऑफ द लाइन थे कीपर और यहां दूर से ही सुदन की ओर से ये अटेम्प्ट लिया गया था लेकिन अगर थोड़ा सा क्रॉस बार के नीचे रहता तो एक गोल मिल जाता पाकुड़ की टीम को। बिल्कुल और इसके बाद यहाँ पर मैं एक शॉट में याद करूंगा खास करके यहाँ पर जो चतरा टीम से ली गई थी यहाँ पर कीपर के ग्लव्स में गेंद लगी जो कि सेकेंड पोस्ट के लगभग टॉप कॉर्नर की ओर गेंद जा रही थी भले गोलकीपर वहाँ ऑफ द लाइन हुए यानी कि गोल लाइन से वो पार हो गए थे लेकिन गेंद को वो पार नहीं होने दिए और ये अटेम्प्ट भी उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट साबित हो रहा था अगर उनके ग्लव्स में अगर चुभ जाती तो निश्चित रूप से वो भी गोल की उम्मीद वहां से काफी ज्यादा बढ़ जाती लेकिन उसके बाद अभी तक उस प्रकार का तैयारी नहीं किया गया है या और जो मौका है उस प्रकार का नहीं बना पाए हैं और बिल्कुल दोनों कीपर को टेस्ट किया गया है सुशील जी एक दोनों कीपर लेकिन उसमें ज्यादा नुकसान हुआ नहीं कवरिंग देखिए और ये अगर कवरिंग अच्छा नहीं होता तो एक गोल शायद वो गोल मिल जाता पाकुड़ की टीम को। हाँ जी बिल्कुल वहां पर वो खिलाड़ी जो माहिर है स्कोर करने में अगर वहां पर थोड़ा सा भी उधर उनको गेप दे दिए तो सुदन कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं गोल करने में दो दो प्लेयर्स उनको कवरिंग करते हुए उनके बीच से निकलने का भरपूर प्रयास था उनका लेकिन उतना ही तक में गेंद कीपर के पास चली गई अन्यथा डिफिकल्ट होता या एक शॉट अगर ट्राई करते हैं तो गोलकीपर के लिए वहां पर मुश्किल बन सकता था और यही कारण है सुशील जी कभी कभी जो फिजिकल जो है ना फिजिकल भी बहुत मायने रखता है ये सुदन जो है टीम कैप्टन है और भले ये बहुत उम्दा प्लेयर है लेकिन थोड़ा सा फिजिकल ये से थोड़ा पिछड़ गए अशोक के सामने अशोक का जो फिजिकल जो है बॉडी लैंग्वेज है बहुत उम्दा है और इसी कारण से ये सुदन कंट्रोल नहीं कर पाए और इस तरह से
ये बॉल कांटेक्ट था ही नहीं सुदन का और ये विदाउट बॉल कांटेक्ट था, इसलिए एक आसान सा फाउल धनेश की ओर से। और ये धनेश हंसदा जो है बहुत अनुभवी रेफरी है, उम्दा रेफरी है, हमेशा चर्चा में रहते हैं और खास करके हमारे साहेबगंज जिले में। एक कट बैक चलाया है, पासेस निकालेंगे महेंद्र, लेकिन ज्यादा हैवी टच होने के वजह से फिर भी पास निकल गया है। पास नंबर करेंगे बैक पास बबलू के लिए। ये फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, 4-3-4-3-3 का जो फॉर्मेशन है ये बहुत मायने रखता है अटैकिंग मूव बनाने के लिए। आप ये करेंगे कुछ भी बल क्रॉस, अगर निकालता भी तो जल्दी निकाल लेते क्रॉस रन लेने से पहले, तो फिर भी बात बन जाती। लेकिन खैर अब मौका है, पहला हाफ का मैच चल ही रही है, 20 मिनट का मैच हो चला है और 5 मिनट है। 5 मिनट में आपको थोड़ा सा जाम झोंक देना होगा और इसके बाद आपको फिर रिफ्रेश होइएगा, इंटरवल होगा, फ्रेश होइएगा और फिर रणनीति बनाने में फिर। और ये ऑफसाइड में थे और उनमें लेने के प्रयास था उनका, ये ऑफसाइड ये आसान निर्णय संदीप संतोष यादव की ओर से। ये हमेशा की बहुत दुरुस्त असिस्ट करते हैं संतोष यादव और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बहुत हसमुख चेहरा है उनका और कभी थके हुए नजर नहीं आते हैं मैदान के बीचों बीच, अपना डिसीजन में कभी दुविधा नहीं होता है इनको। और सभी रेफरी जो है बहुत अनुभवी रेफरी है और फिर से ट्रैक में फंसे, ऑफसाइड, बॉल रिलीज करने में लेट कर रहे हैं। अब बॉल अगर जल्दी रिलीज करेंगे तो ऑफसाइड से बचेंगे, अगर रिलीज लेट करेंगे तो फिर से होल्ड करें और आपने प्लेयर को देख के बॉल को पासेस निकालेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा अपने टीम के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है कि गेंद को पेनल्टी एरिया के करीब ले जाकर के वहां पर जल्दीबाजी में पास निकाल देते हैं कि सबसे पहले वहां पर देखना होगा। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि गेंद को पहले अगर क्रॉस करना है तो जल्दी क्रॉस करना है, नहीं तो देख करके उनको खेलना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में प्लेयर्स के पोजीशन को वो देखते नहीं और पास निकाल देते हैं, जो कि बहुत ही मेहनत के बाद एक यहाँ से एक मूव बनती है गोल करने के लिए, वो मौका उनके हाथ से निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, अब जोर हो गया है खेल, अब रेस हो गया है क्योंकि और 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट में कुछ करना है, इसके बाद तो रेस्ट करना ही है, अब कुछ भी करना है 3 मिनट के अंदर। पोजीशन खोना नहीं चाहेंगे सुधर, ये फॉरवर्डिंग किए हैं लेफ्ट विंगर के लिए, लेकिन पोजीशन खो दिए तो इनके से मिलेगा सत्रह की टीम को, पोजीशन रखेंगे अपने पास। विमल भी बहुत ही अच्छे प्लेयर है, राजेंद्र के टीम कैप्टनशिप में ये बॉल को सकाया है, लेकिन बॉल आपके पास पहुंची नहीं, ज्यादा समय नहीं रहा है इस फर्स्ट हाफ का मैच में। जी बिल्कुल, और ऐसे फर्स्ट हाफ के अंतिम समय तक में क्या गोल आएगी लिया, लेकिन पोस्ट के करीब से गेंद ऑफ टारगेट पर निकलती थी, प्रयास अच्छा जोड़ था, ये भी शॉट लेना जरूरी था क्योंकि टेस्ट करना चाहते हैं फिर से दोबारा फर्स्ट हाफ के बीच में ही, क्योंकि आप समय खत्म होने वाला है और इसीलिए फिर से कारण नंबर यहां से भी ट्राई करेंगे और ये सही सहाय कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करना ही चाहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा, लेकिन कोशिश से कभी थकना नहीं चाहिए। मैदान के बीचों बीच जो टीम हम देख पा रहे हैं बहुत ही उम्दा टीम है दोनों, ये मजे हुए प्लेयर हैं दोनों की ओर से। और यहां से फर्स्ट हाफ का समय अभी जाना है नहीं, बचे हुए समय पर कौन सा टीम पहला महत्वपूर्ण गोल करके अपने टीम को मजबूती प्रदान करेगी और इस मैच के बाद नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीम्स के मैनेजर आप रिपोर्टिंग कर लीजिए, अगर रिपोर्टिंग नहीं किए हैं तो आप रिपोर्टिंग कीजिए जल्दी अगला मैच के लिए। और अभी से अपने प्लेयर्सों को ऐसा ऐसा आप भी अवगत रखेंगे, आज दिन का जो थर्ड मैच होगा एफसी अयोध्या तीन पहाड़ वर्सेस एफसी किंगफिशर गोड्डा, नेक्स्ट मैच के लिए आप अभी से तैयारी में लग गई है और प्रयास करें कि इस मैच के समाप्ति के लगभग 10 मिनट पहले अपने प्लेयर्सों को रेडी करके रेफरी मंच के बगल में आप तैयार रखेंगे नेक्स्ट मैच के लिए। और तीन पहाड़ की टीम जो है लगभग तैयारी कर चुकी है और कुछ ही मिनटों के बाद वो मैदान में आ जाएंगे, अपना लाइनअप कर देंगे और ये अच्छा मौका बन गया है। 11 नंबर थोड़ा सा लेट रन लगा है, अगर सही रन लगाते तो बॉल उनके पकड़ में उनके गिरफ्त में आता और इस तरह से ये जो है
फर्स्ट हाफ का विशेष हमारे धनेश संस्था की ओर से ये एक अच्छा मौका है अपने टीम के लिए रन।